फ्रेंड्स वेलकम टू मंत्र, मैं हूं प्रधान आपको हूं दोस्त। आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू ब्लॉक एड्स एंड पॉप अप विंडोज ऑन क्रोम, बिकॉज मोस्टली सबके साथ प्रॉब्लम आती है कि बहुत ज़्यादा एड्स आने लगते हैं। कई बार अगर आप कोई भी वेबसाइट सर्च कर होते हैं या कहीं भी होते हैं, एड्स के साथ भर जाता है, कई बार पॉप अप विंडोज खुलने लग जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करें। इसलिए बेस्ट दो ऐप हैं जो क्रोम में डिफ़ॉल्ट में है, मैं हम उसी को यूज़ करेंगे। आप क्रोम में जाइए, यहाँ पे सिंपली लिखिए एड्स ब्लॉक, यहाँ आपको मिल जाएगा ये वाला एड ब्लॉक। देखिए सबसे ज़्यादा यूज़र इसी के हैं रेटिंग्स, और इसको आप मिल ली है 4.5 रेटिंग्स, और ऐसे ही में काफ़ी अच्छी वर्क करती। मैं अभी इसको इंस्टॉल किया था भाई, इससे मुझे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिली जितनी अच्छी मुझे इससे मिल रही थी। तो इसको ऐड टू क्रोम कर लीजिए, एड एक्सटेंशंस, अप्रॉक्स 1 से 2 मिनट लेगा, 1 मिनट भी नहीं लेता है, बहुत जल्दी हो जाता है। अभी ये देखिए हो रहा, जस्ट वेट अ वाइल, वेट अ वाइल, हो रहा है, हो रहा है, जल्दी हो जाए यार। अबे मेरी डाउनलोडिंग चली इसलिए थोड़ी स्पीड स्लो आ रही है, तो इतनी स्लो है नहीं जी। हाँ एक बार हो गया ऐड, इसको कर दीजिए क्लोज, ये हो चुका है ऐड। अब चलिए इसका हम लोग लाइफ एक्सपीरियंस देखते हैं। हमने यूट्यूब खोला, यूट्यूब पे आप लोग सब जानते हैं कितने सारे एड्स ऊपर देते हैं, सब गायब, सब गायब, एक ऐड नहीं है। और यहाँ पे इस रेट ये भी बताया कितने एड्स ब्लॉक किया है, 9 एड्स ब्लॉक किया है, जिसमें से 8 ऐड इसी वेबसाइट के थे, है ना अच्छी बात। और यहाँ तक कई बार तो इसमें वो वीडियोज़ में भी ऐड आने नहीं देता, मैं किसी और की वीडियो यूज़ नहीं करूँगा, वरना अब मेरे में तो ऐड आती नहीं है। आपको पता है ना सबको वीडियोस में ऐड आते हैं आगे, मगर ये उसको भी रोक देगा। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा यार, यूट्यूब के एड्स ब्लॉक करने कोई फ़ायदा नहीं है, ना क्या करो। क्या कोई भी कंटेंट राइटर होता है, कंटेंट क्रिएटर, तो वो इसीलिए एड्स अपने वेबसाइट पर पब्लिश करता है कुछ भी की थोड़ी अर्निंग हो। आप एड ब्लॉक का यूज़ करके उसकी अर्निंग पूरी आप ख़त्म कर देते हो। इसीलिए ये देखिए, अगर आप इस वेबसाइट को जानते होंगे तो गैजेट 360 है, NDTV का है ये, इसमें आपको कहीं ऐड नहीं मिल रहा, जबकि ये वेबसाइट में ऐड भरे पड़े हैं। अभी तो इसका देख लेते हैं, हमने इसको बंद कर दिया, हाइड फ्रॉम क्रोम, रिमूव फ्रॉम क्रोम कर दिया। अब इसको रीलोड करके देखिए, आ गया ऐड आया, ऐड भर गए, आने लगा ऐड, बस चेप बात। इसीलिए मैं इसको और अगर हम वापस यूट्यूब भी पहुँचेंगे होम पेज पे, तो इसमें भी एड्स आ जाएंगे। तो इसलिए ये काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, और काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। रेटिंग्स भी इसकी काफ़ी अच्छी थी, मोर देन 1 मिलियन के यूज़र्स हैं वर्ल्ड वाइड, तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। जाइए आ गया ऐड, जैसे हम इसको हटाया ऐड आ गया। अब पॉपअप्स कैसे हटाए, पॉप के लिए कोई नहीं, बस ये हुई पॉप, अब ब्लॉकर। इसमें भी जो सबसे पहला है ये पॉपअप ब्लॉकर, इसी को ऐड करिए, ऐड टू एक्सटेंशंस, वही कुछ सेकंड्स लेगा, हो रहा है यहाँ पे, और ये आपके पॉपअप्स को ब्लॉक कर देगा। पता है ये दो मुझे सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर्स लगे या प्लगइन्स लगे आपको एड्स और पॉपअप हटाने के लिए, एंड आई रियली लाइक इट। तो आप इस पर जा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इसी कोई पर्टिकुलर डाउनलोडिंग लिंक तो है नहीं, और ये हर चीज़ ब्लॉक कर देता है, यहाँ तक कि कई सारे आपके वो ऐड वाले वेबसाइट्स होते हैं, वो सब भी ये ऐड को भी रोकता है कई बार, और कई बार पॉपअप्स को तो रोकता है, मैं एड्स पे भी कई बार इफेक्ट करता है काफ़ी। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, नहीं मुझे पॉपअप चाहिए, आने वाले पॉपअप ब्लॉकर, ठीक। और एड्स देख लेते हैं किसी को ब्लॉक करता है, कि एड फ्लाई का एक वेबसाइट है उस पर लोग एक्सेस करने नहीं देते, मैंने भी उस पर काफ़ी वर्क किया है और थोड़ी बहुत गलती से अर्निंग भी की है। ये नहीं अच्छा, मैंने देखिए अलाउ अलाउंस अलाउ ऑलवेज, मैंने अलाउ ऑलवेज कर दिया कि मुझे इस पर वर्क करना है। 2 सेकेंड ये कनेक्ट हो गया, इस
अच्छी भी अर्निंग उतनी फास्ट नहीं, काफ़ी स्लो अर्निंग है इसमें। मैं ज़्यादा वर्क नहीं करता हूँ, मैं बहुत जल्दी और अर्निंग होगी होपफुली। चलिए बस डेट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सैनल फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और हम वेबसाइट जरूर विजिट करिएगा, वेबसाइट का नाम मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, www.techimantra.com। techimantra.com सबसे ऊपर हमारी वेबसाइट, और होपफुली इस पे भी एड्स लॉक हो गए होंगे, देख सकते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट, और इसमें आपको हर न्यूज़ मिल जाएगी। गो एंड सेट, बाय बाय, टेक केयर, बी ट्यून, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए यार, आप लोग सब्सक्राइब करने बड़े शर्माते हैं, तो प्लीज़ वो ना करिए। अभी मैं अंडर वर्किंग हूँ, कई सारे और अपडेट्स आपके लिए कंटिन्यूसली लाते रहेंगे हम लोग, तो बी ट्यून, बाय बाय।